आज की इस वीडियो में बताएंगे KYP सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बारे में, यानी कि कुशल युवा प्रोग्राम में आपने कोर्स किया था उसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है, या मिला था सर्टिफिकेट वो खो गया है, जल गया या कहीं रखा चले गया और आपकी उस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ गई है। तो इस स्थिति में आप क्या कर पाएंगे, अपने सर्टिफिकेट को आप मिनटों में नहीं बल्कि सेकेंडों में आप डाउनलोड कर पाएंगे ऑनलाइन बिना किसी भी डिटेल के। इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से अपने नाम से ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का बताया था, लेकिन उस पे सर्टिफिकेट नंबर यानी कि लर्नर कोड मांगा जा रहा था। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि लर्नर कोड सर्टिफिकेट नंबर हमारे पास नहीं है, तो इस स्थिति में हम क्या कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सिर्फ अपने नाम के माध्यम से ही KYP सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे बिना कोई सर्टिफिकेट नंबर का और बिना कोई लर्नर कोड का। सिर्फ अपने नाम से ही अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा तब आप पूरे प्रक्रिया समझ पाइएगा। उसके लिए आपको आना होगा कुशल युवा प्रोग्राम की वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इस वेबसाइट की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। इस वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा क्लिक हियर टू व्यू डिटेल। जैसे आप क्लिक हियर टू व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको KYP कोर्स मिलेगा। इस KYP कोर्स पे क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरह का लोड लेगा। अगर ये लोड नहीं लेता है जैसे आप रिडायरेक्ट करें यानी कि फिर से करेंगे तो ये कुछ इस तरह का 100% तक लोड लेगा। ठीक है, जैसे 100% तक लोड लेगा उसके बाद कुछ इस तरह का लोडिंग ले लेगा। अगर ये लोडिंग नहीं लेता तो लेता है इस तरह का नहीं दिखाता है तो आपको फिर से ट्राई करना होगा। जब इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा तो नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। जैसे आप यहाँ पे नीचे आएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा और मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्टिफाइड है तो यहाँ पे जो ये थ्री लाइन है यहाँ पे देखिए इस वाले कलर में जो है सर्टिफाइड, और यहाँ पे देखिए थ्री लाइन है। इस थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे कुछ उसी तरह का रिडायरेक्ट होगा यानी कि लोड लेगा। तो यहाँ पे इसे लोड लेने देंगे, ये भी 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर ये कंप्लीट नहीं होता, जब भी कंप्लीट नहीं हो पाता तो आपको फिर से ट्राई करना होगा तब, यानी कि ये वेबसाइट थोड़ा स्लो चलती है लोड लेने में तो आपको फिर से ट्राई करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि डाटा नहीं आता है तो आप छोड़ देंगे, एक बार ट्राई करने पर नहीं आ रहा दूसरा बार ट्राई कीजिए, दूसरा बार जरूर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे इस तरह का आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट है यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितने मेल फीमेल कितने कोर्स किए हैं, वो सारे यहाँ पे आपको संख्या के में दिखा देगी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितना कोर्स अभी तक में कंप्लीट हो चुका है। आप जो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट का आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मधेपुरा में जो सर्किल सेंटर है उसका स्टूडेंट का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो उसके जिले पे क्लिक करना है। आपका जो जिला होगा आप अपने जिले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जिले पे क्लिक करेंगे फिर से 100% लोड लेगा। इसे फिर से 100% लोड लेने लगे। अब इस जिले में जितने प्रखंड है यहाँ प्रखंड सेलेक्ट करना होगा यानी कि आपका KYP सेंटर जो था वो किस प्रखंड में था। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप जो भी प्रखंड में आपका KYP सेंटर था वो सेलेक्ट करना हो। जैसे कि मेरा मधेपुरा सदर ब्लॉक में सेंटर था पद सर्किल सेंटर जहाँ से जहाँ का सर्टिफिकेट मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, किसी का भी आप डाउनलोड कर सकते बड़ी आसानी से। उसके बाद देखिये यहाँ पे क्या आ रहा है, कोड सीरियल नंबर कोड सेंट्रल सीरियल नंबर कोड सेंटर, ये सेंटर का नाम है। इस ब्लॉक में जितने भी सेंटर वो सारे सेंटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है तो आप जो KYP किए थे KYP कोर्स वो कौन सी सेंटर से किए थे। इस ब्लॉक में 7 सेंटर है, 7 सेंटर में से आप कौन से सेंटर से अपना KYP कोर्स किए थे वो सेंटर का यहाँ पे कोड है। ठीक है, तो जैसे की मैं यहाँ पे मधेपुरा सदर से किया था KYP कोर्स तो इस वाले कोड पे हमें क्लिक करना है। जैसे अब इस कोड पे हम क्लिक करेंगे फिर से 100% ये लोड लेगा। अब इस सेंटर से जितने भी स्टूडेंट कोर्स किए हैं KYP का उसका लर्नर कोड यानी कि सर्टिफिकेट नंबर उसका ये हो गया, उसका नाम मेल फीमेल वो किस प्रखंड से आते हैं कौन से जिले से आता है उसका सर्टिफिकेट क्या जनरेट हो चुका है वो आपको यहाँ पे जनरेटेड दिखा देगा। तो इस सेंटर से जितने भी कोर्स किए जितने भी स्टूडेंट KYP कोर्स किए वो आप सारे देख सकते हैं। जैसे कि इस सेंटर से अभी मैं दिखाता हूँ 748 स्टूडेंट ने KYP कोर्स किया है और सभी स्टूडेंट के नाम के सामने लर्नर कोड है यानी कि ये उसका सर्टिफिकेट नंबर
यानी कि लर्नर कोड हो गया, इस कोड को कॉपी करेंगे, इस कोड को ये स्टूडेंट का लर्नर कोड सर्टिफिकेट नंबर भी आप इसे कह सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पंकज कुमार है, इसका लर्नर कोड ये हो गया, इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए इसको हम कॉपी कर चुके हैं। अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे आना होगा जहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए उसके लिए आपको आना होगा ये वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। इसी वेबसाइट के होम पेज पे यहाँ पे आपको मिलेगा कौशल युवा प्रोग्राम। आपको सबसे पहले ये जो लर्नर कोड है सर्टिफिकेट नंबर ये निकालना होगा अपने, ठीक है, स्टूडेंट का ये हम निकाल चुके हैं। और अब यहाँ पे हमको वेबसाइट पे आना होगा, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पे आने के बाद कौशल युवा प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आपको फिर वही पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर में वही सर्टिफिकेट देंगे, लर्नर नंबर, यहाँ पे जो ये सर्टिफिकेट नंबर यानी कि लर्नर कोड है वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर कोड देना होगा। सेंटर कोड क्या है, तो देखिए इसका सेंटर कोड ये हो गया, ठीक है, ये सेंटर कोड हो गया, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम सेंटर कोड को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये स्टूडेंट का यहाँ पे देख सकते कोर्स केवाईपी कोर्स का सर्टिफिकेट है, बीएससीटी कोर्स है, ये चारों सर्टिफिकेट उनका, जैसे इस केवाईपी सर्टिफिकेट का डाउनलोड करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे इसका फोटो डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे, जैसे डाउनलोड सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैग जाएंगे फिर से, ये फर्स्ट सर्टिफिकेट हो गया, अब ये सेकंड सर्टिफिकेट, इसी तरह हम सेकंड को भी डाउनलोड कर सकते हैं, कब इनका कोर्स शुरू हुआ था, कब एग्जाम हुआ था, इसी तरह थर्ड भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, यानी कि चारों सर्टिफिकेट उसका कोर्स का हो गया। इसी तरह अपना भी सर्टिफिकेट केवाईपी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे।